कैसे दोस्तों, मैं सुखदेव सिंह फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक और यूज कार। आपका स्वागत भी करता हूँ अपने YouTube चैनल योर नेक्स्ट हेड पे। दोस्तों आज फिर आपके लिए जो कार लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन कार है और गाड़ी का जो रंग है वो अभी वीडियो में दिखेगा आपको, बिल्कुल चमचमाती हुई ब्रांड न्यू कार है। दोस्तों ज्यादा समय ना खराब करते हुए फिर मैं आपसे एक बार बात कहता हूँ कि मेरे चैनल जरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों अगर आज आपको कोई गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है और इन फ्यूचर होगी तो, और जो मैं आपके लिए स्कीम्स लाता रहता हूँ बैंक के थ्रू, उन सबको स्कीम्स के बाद आपका मूड बन जाए। ज्यादा समय खराब करते दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ गाड़ी पे। फ्रेंड्स आज की जो कार है वो है मारुति ब्लेनो 2016 डीजल दिल्ली नंबर और अल्फा। इसलिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों कि ब्लेनो का जो अल्फा मॉडल है वो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, सारे फीचर्स हैं। फीचर्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे आप गाड़ी देख पा रहे हैं दोस्तों कलर है रेड, ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी है दोस्तों। जी हाँ, जैसे ही आपको इस वीडियो में दिख रही है दोस्तों ऐसे ही आने पर दिखेगी। दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की। दोस्तों जैसे आप कार देख रहे हैं गाड़ी की जो प्रोजेक्टर लाइटें हैं बाय कंपनी, जी हाँ दोस्तों मारुति से इसकी प्रोजेक्टर लाइटें हैं और आप एलईडी देख रहे हैं जो आपको वीडियो में दिख रही होंगी, ये भी कंपनी से है। फ्रंट्स में जो क्रोम ग्रिल है दोस्तों ये भी कंपनी से है। बहुत ही प्यारा कलर है दोस्तों, ब्लेनो में सबसे अच्छा लगता है मुझे कलर, आपको भी ऑफिस से पता अच्छा लगता होगा। अपनी अपनी वैसे च्वाइस होती है कि कलर पसंद होना ना होना, लेकिन मुझे गाड़ी का कलर बहुत ही पसंद आया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको गाड़ी और दिखाता हूँ आगे से। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसकी राइट साइड ब्रांड न्यू कंडीशन में दोस्तों, राइट साइड जो गाड़ी है दोस्तों उसके आप साइड में जो ब्लैक देख रहे हैं इसके ऊपर टेपिंग हो रखी है साइड मिरर के ऊपर, और छत पर भी दोस्तों टेपिंग करा रखी है। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। जैसे वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों कि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब आओगे गाड़ी देखने तब भी गाड़ी ऐसे नजर आएगी। तो दोस्तों बात करते हैं बाहर से फंक्शन की, अल्फा में क्या क्या आता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो गाड़ी टायर है ब्रांड न्यू कंडीशन में टायर है। जी दोस्तों ब्रांड न्यू कंडीशन में टायर है, अलॉयज भी कंपनी से है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सटीरियर की। जैसे आप एक्सटीरियर में देख रहे हैं दोस्तों, जो सबसे पहला फंक्शन अल्फा का जो मेन फंक्शन क्या क्या आता है कि हैंडल के ऊपर से ही आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं दोस्तों, बटन दे रखा है। और इस ब्लेनो में एक फंक्शन और आया दोस्तों, जैसे हम गाड़ी को लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं तो इसके साइड में अपने ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाते हैं। ये फीचर दोस्तों काफ़ी अच्छा रहता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि जब अगर गाड़ी के साइड में मैनुअली होते हैं तो बार बार उनको साइडों से बंद करना खोलना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया इसके हैंडल का फीचर, इससे गाड़ी लॉक एंड अनलॉक हो जाती है। एक मारुति ने और एडिशन किया है इसके अंदर अल्फा मॉडल के अंदर कि गाड़ी जैसे कि आप गाड़ी से बाहर आ चुके हो और गाड़ी की विंडो के नीचे सारे सारे नीचे हैं या एक भी नीचे है आपका और आप उसको पकड़ना भूल गए हो, तो नॉर्मली जब आप गाड़ी को सिर्फ लॉक करोगे तो सारे शीशे एक एक करके अपने आप ऊपर चढ़ जाएंगे। जैसे वीडियो में देख पा रहे हो पहले लेफ्ट हैंड ड्राइवर चढ़ा है, उसके बाद ये अपना पीछे का, फिर उसके पीछे का एंड देन ड्राइवर साइड का। तो दोस्तों काफ़ी यूनिक सा फीचर है गाड़ी का, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो सब तो मैं गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप गाड़ी का इंटीरियर देख रहे हो ब्लैक कलर का इंटीरियर है और इसके जो हैंड रेस्ट पे भी कस्टमर ने रेड कलर का अपना काम करा रखा है। और अंदर आप एक नॉब देख रहे होंगे कि नॉब इस साइड में रखी शीशो एडजस्टमेंट करने के लिए है, साथ में यहीं से आप साइड में फोल्ड और बंद भी कर सकते हैं दोस्तों, बटन दे रखा है। और बात करें अल्फा मॉडल की दोस्तों, यह है मारुति ब्लेनो का इंटीरियर। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कि मारुति ब्लेनो का इंटीरियर है, ब्लैक कलर का इसका डैशबोर्ड है और इसकी सिल्वर कलर के टाइप में कुछ छत आती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कस्टमर ने टॉप मॉडल होने के बावजूद भी गाड़ी में काम कराया है। जैसे आप पिलर्स देख रहे हैं दोस्तों उसके ऊपर भी उसने अपना लेदर चढ़वा रखा है और उसके ऊपर सिलाई भी करा रखी है, काफ़ी अच्छा काम रखा है दोस्तों गाड़ी में। बात करते हैं अल्फा में क्या क्या आता है दोस्तों। जैसे अल्फा में आप देख रहे हैं दोस्तों टच स्क्रीन है बाय मारुति, ये टच स्क्रीन है और इसी के अंदर ही बैक कैमरा है। और गाड़ी जो चली है दोस्तों, गाड़ी का किलोमीटर एक बार आ रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसके बारे में। गाड़ी जो चली है दोस्तों 58,000 किलोमीटर चली हुई है।
अब दोस्तों बात करते हैं इसके इंटीरियर की। आप जैसे दोस्तों देख रहे हैं कि सिल्वर कलर का इंटीरियर के अंदर काम रखा है सारा का सारा। इसके अंदर अपना फैन का ऑटोमेटिकली है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, टच पैनल है दोस्तों, काफी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। टच पैनल दोस्तों कंपनी से जो टच पैनल आता है दोस्तों उसकी बातचीत अलग ही होती है, लाइफ लॉन्ग चलता है। और अगर हम बात करें दोस्तों मीटर की, मीटर भी डिजिटल मीटर है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं हम गाड़ियों को जोन सा भी दरवाजा खोल देंगे वो खुल दिखता है इसके अंदर। बात करते हैं स्टेयरिंग के, स्टेयरिंग में देख रहे हैं कि वॉल्यूम का है, मोड है अपना, और अपना म्यूट भी यहीं से कर सकते हैं। बात करते ब्लूटूथ की, ब्लूटूथ के दोस्तों नीचे से अलग से बटन दे रखा है, आपको कॉल करना है, आपको कॉल काटना है, यहीं से कर सकते हो। और सबसे पहले दोस्तों अल्फा मॉडल है तो आप इसको अपनी वॉइस से भी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप स्टीरियो कैसे चलाना चाहते हैं अपने वॉइस से। दोस्तों अगर गाड़ी टॉप मॉडल है और सारे फंक्शन मिल रहे हैं आपको, प्राइस में भी दोस्तों ऐसी गाड़ी है कि यू कैन सेव फोन नेविगेशन और मीडिया, यू कैन ऑल्सो से कमांड्स लाइक कॉल फॉलोड बाय अ नंबर और नेम, एड्रेस फॉलोड बाय एन एड्रेस, प्ले फॉलोड बाय एन आर्टिस्ट और एल्बम नेम। दोस्तों ये मुझे बोल रहे कुछ बोलने के लिए, लेकिन मैं इसको क्या कमांड दूं, मैं आपको गाड़ी का फंक्शन वैसे दिखाने जा रहा था। देख रहे हो दोस्तों कि आप इसको वॉइस से भी इसके अंदर आप अपने कमांड डाल सकते हैं कि नेविगेशन डालना है या आपने कॉल करना है। तो ब्लूटूथ मोड है इसके अंदर पूरा गाड़ी के अंदर। और जैसे आप सीट कवर देख रहे हो दोस्तों, प्लीज से द कमांड आफ्टर द बीप, यू कैन से हेल्प फॉर पॉसिबल कमांड्स एंड काम नहीं करने दे रही दोस्तों ये। जैसे आप सीट कवर देख रहे हैं तो ब्रांड न्यू के सीट कवर है, कस्टमर ने इसके अंदर इसके साथ के पिलर्स में भी काम करा रखा है। जैसे पिलर देख रहे दोस्तों इसके अंदर भी अपना मैट फिनिश से ये लगवा रखा है इसके अंदर इंटीरियर में। तो कुछ गियर नॉब की बात करें दोस्तों, गियर नॉब के ऊपर भी ये रेड कलर एंट्री करा रखा है, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है दोस्तों। बाहर से आपको देखा जाए एक्सटीरियर आपने कि ब्रांड न्यू कंडीशन है, कुछ भी नहीं कराना। और कलर जो है दोस्तों ऑल जेन्युइन कार है, आपको मैं पीछे से गाड़ी दिखाता हूँ। दोस्तों ये गाड़ी है मारुति अल्फा 2016 दिल्ली नंबर, सिंगल ओनर, मात्र 58,000 किलोमीटर चली हुई। जैसे पीछे देख पा रहे दोस्तों कि मैं आगे भी आराम से बैठा था, और अब गाड़ी की स्पेस की बात करें दोस्तों पीछे भी स्पेस बहुत अच्छा है, और गाड़ी के अंदर हैंड रेस्ट भी है दोस्तों। और पीछे एक आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको चार्जिंग पॉइंट भी पीछे दे रखा है, तो टॉप मॉडल दोस्तों बातचीत ही कुछ और होती है। दोस्तों ये देखो गाड़ी की लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में आपने कुछ भी नहीं कराना है, ब्रांड न्यू कंडीशन दोस्तों। जैसे आपको गाड़ी वीडियो में नजर आ रही है ऐसे ही गाड़ी आपको आने पे भी नजर आएगी। मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं जान रहा हूँ गाड़ी की बहुत ही ड्राइविंग पॉलिश के बाद बहुत ही खूबसूरत गाड़ी निकल के आई है। बात करते दोस्तों इसकी डिक्की की, अगर मैं आपको इसकी डिक्की दिखाऊंगा दोस्तों, तो ब्रांड न्यू कंडीशन की डिक्की है। ये जो क्रोम देख रहे दोस्तों ये अल्फा मॉडल में क्रोम बाय कंपनी ही आता है, मारुति से क्रोम आता है सारा। अगर आप सिग्मा मॉडल या आपका दूसरा मॉडल होगा तो उसमें क्रोम नहीं आएगा। और दोस्तों इसका जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस बहुत अच्छा है, अपने सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छा बूट स्पेस है बलेनो का। अंदर से भी स्पेस बहुत अच्छा है, पीछे भी स्पेस बहुत अच्छा है दोस्तों। ब्रांड न्यू कंडीशन की कार है जैसे आप देख पा रहे हो। और दोस्तों अगर आप गाड़ी फाइनेंस करना चाहते हो तो गाड़ी फाइनेंस करने के लिए जो चाहिए होगा आपसे मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और 2 साल की ITR। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास दोस्तों ITR नहीं है तो डाउन पेमेंट में थोड़ा फ़र्क हो जाता है, फिर गाड़ी में डाउन पेमेंट 50,000 से 1,00,000 रुपये आसपास हो जाती है। और बाकी दोस्तों मैं सुखदेव सिंह आपका फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करने से दोस्तों मेरे पे हौसला बना रहेगा और मैं आपके लिए फ्यूचर में और एक से गाड़ी लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।